नमस्कार, कंचन खाना पकाना में आपका फिर से स्वागत है। आपने हमेशा चाय तो बहुत पी होगी मेहमान बनके, अपने घर पे बना के कैसे भी, लेकिन आज की चाय मैं आपको जो बनाकर दिखा रही हूँ वो स्पेशल चाय है। और ये चाय नहीं, इसको हेल्दी चाय कहते हैं। देखिए मैं आपको हेल्दी चाय कैसे बनाना दिखा रही हूँ कि हेल्दी चाय कैसे बनती है। चीनी और पत्ती तो हमेशा से ही लोग डालते आए हैं। लौंग की चाय भी आपने पी होगी, बड़ी इलायची की चाय भी पी होगी, दालचीनी की चाय भी पी होगी। आज हमने ये सब चीज़ मिला करके हमने हेल्दी चाय बनानी है। ये मेरे पास तुलसी के पत्ते हैं 5, और ये अदरक का टुकड़ा, और ये मेरे पास जो सूखे हुए छुआरे होते हैं, सूखा हुआ छुआरा, वो डालेंगे हम इसमें, और ये मोटी इलायची। ये चीज़ हम अवॉइड करेंगे, आज हम ये चीज़ की चाय नहीं पियेंगे। अगर आप डालना चाहते हैं तो ये भी डाल सकते हैं, दालचीनी और लौंग। ये नहीं डालना चाहते तो इसे अवॉइड करें। मैंने पानी गर्म होने के लिए रख दिया है। मैं 3 कप चाय बनाने जा रही हूँ, 1.5 कप पानी डाला है मैंने इसमें, क्योंकि थोड़ा सा हम इसको बॉइल्ड करके सुखाएंगे। ये देखिए हमारे 5 पत्ते तुलसी के चाय में हमने डाल दिए बॉइल्ड होने के लिए, और ये हम बड़ी इलायची जो है इस तरह से कूट करके डालेंगे। देखिए इस तरह से, और अब हम इसको भी हल्का सा, ये देखिए जो हमारा छुआरा है उसे भी हमने कूट दिया है, क्योंकि आज हमारी चाय का नाम है हेल्दी चाय। और इसके अंदर जो हम अदरक डालेंगे, ये देखिए अदरक का भी जो ये टुकड़ा है हम इसमें इस तरह से अच्छे से कूट देंगे। आप देख रहे हैं किस तरह से अदरक का जूस निकलने लगा है। अब हम इसको इसमें चाय में डालेंगे। हेल्दी चाय पीने का मज़ा ही कुछ और होगा। हमारी हेल्दी चाय बहुत अच्छे से बनने वाली है। देखिए पूरी तरह से सब चीज़ें उबाल दी हैं मैंने, अदरक, मोटी इलायची, तुलसी, छुआरा, हर चीज़ मैंने उबाल दी है। दालचीनी, सौंफ और लौंग मैंने अवॉइड किया है, वो नहीं डाला है। आप चाहें तो वो भी डाल सकते हैं। और अब मैं आपको दिखा दूं कि मैं चाय में जो दूध है, मैं कच्चा दूध जो मैंने उबलने के लिए रख दिया है, ये देखिए इस तरह से मैं दूध को उबलता हुआ डालूंगी, और चाय का बिल्कुल भी टेस्ट नहीं बिगड़ने दूंगी। चाय का मतलब होता है कि ये नहीं कि सुबह उठा और फटाफट चाय को फटाफट एक उबाला दिलाया, 2 उबाले दिलाए और काली पत्ती सी उबाल के चाय पी ली। चाय पीने का मतलब होता है हेल्दी चाय पिए। मैं 3 कप चाय बना रही हूँ तो 3 चम्मच चीनी डालूंगी, ना कम ना ज़्यादा। और मेरे पास जो चाय पत्ती है वो मैं 1.5 चम्मच डालूंगी। ये देखिए इस तरह से हमारी चाय बिल्कुल अभी रेडी होने वाली है। बहुत जैसे हम सब्जी को बहुत तरीके से बनाते हैं कि उसमें ये मसाला वो डालेंगे, उसमें वो मसाला डालेंगे, उसको बहुत अच्छी बनाएंगे, उसका रंग भी अच्छा दिखना चाहिए, कलर अच्छा आना चाहिए ग्रेवी का, इसी तरह से चाय का भी आप एक मज़ेदार चाय बनाएं जिसका कलर भी आपको अच्छा लगे और जिसको पीने में भी आपको शरीर में, बॉडी में कोई तकलीफ है उसके लिए आराम आए। ये नहीं कि चाय का टाइम हो गया है, पत्ती उबाली, दूध डाला और अपना पी के छुट्टी, क्योंकि हमारा चाय का टाइम हो गया था, ये मतलब नहीं होता चाय का। आप चाय देखेंगे हेल्दी चाय, बढ़िया चाय और एकदम टेस्टी चाय। ये देखिए दूध हमारा उबल गया है, अब हम ये चाय में गर्मा गर्म दूध उबलता हुआ डालेंगे। ये देखिए देख रहे हैं आप चाय का कलर कैसा उभर करके आया है। अगर मेरे मेथड से आप चाय बनाएंगे तो आप देखेंगे कि चाय का लुक ही स्पेशल है। दूध का आप, मैंने 1.5 कप पानी डाला था और 1.5 कप ही दूध डाला है, ताकि लीजिए चाय हमारी रेडी हो गई। और अब हम कैटल में इसको छान लेते हैं, और मैं अपने बहू और बेटे के साथ बहुत ही आराम से सोफे पे बैठ करके चाय पीने वाली हूँ। ये चाय नहीं है, हेल्दी चाय बनाई है हमने। और देखिए ये लीजिए हमारी चाय रेडी हो गई है, और अब हम प्याले में डाल लेते हैं।
लीजिए। लीजिए हेल्दी गर्मा गर्म चाय रेडी हो गई है। 3 से 4 मिनट के अंदर इतनी अच्छी चाय आपने कभी नहीं देखी होगी। आप इसे जरूर ट्राई करें घर में। चाय कैसे बनती है आपको पता चलेगा। हेल्दी चाय कैसे बनती है, पानी उबाल करके पीना या दूध में पत्ती करके पीना, उसको चाय नहीं कहते। आप हमारी चाय बना करके पिए। आप हमें, अगर आपको ये चीज पसंद आए तो आप हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने व्यू दें। थैंक यू।